स्वागत है आपका इंडियन प्राइम न्यूज में। मैं आपके साथ विजय यादव। कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन पूरी तरह से संजीदा है। जिले में जिन क्षेत्रों में वायरस से संक्रमित लोग मिले उन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट करके सीज कर दिया गया। प्रशासन की इस तरह के सख्त कदमों को देखते हुए रविवार को कमिश्नर सुरेश मेश्राम व आईजी जोन एसके भगत ने जिला अस्पताल कंट्रोल रूम व आचार्य द्विवेदी इंटर कॉलेज में बने क्वारंटाइन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। कमिश्नर व आईजी ने निरीक्षण के दौरान सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही डॉक्टरों सफाई कर्मियों से हर व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की बात कही। मेश्राम व एसके भगत ने रोड किनारे रहने वाले गरीबों निराश्रितों का भी हालचाल लिया। मेश्राम ने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन खातों में 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से आया है। उसकी निकासी के लिए डाकघर की सहायता से डोर टू डोर खाता धारकों के घर डाकिया के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत सक्सेना, पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगई, उप जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, अपर पुलिस अधीक्षक सहित सरकारी अमला मौजूद रहे। रायबरेली ब्यूरो हर्षित द्विवेदी की रिपोर्ट। एक तो यहाँ पर जो आइसोलेशन की फैसिलिटी है, क्वारंटाइन की फैसिलिटी है, उसको जो यहाँ पर कंट्रोल रूम है उसकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए, और साथ ही साथ जो है कम्युनिटी किचन, भोजन वितरण और बाकी जो डोर टू डोर डिलीवरी और हेल्थ फैसिलिटीज जो क्रिएट की गई है उन सबको देखने के लिए, तो इसमें हम लोगों ने रैंडम बेसिस पर कंट्रोल रूम से भी जो शिकायतों का निस्तारण हुआ है उसको भी चेक किया है। राशन वितरण संबंधी जो शिकायतें उसमें दर्ज थी उन लोगों से भी मोबाइल पर फ़ोन करके बातचीत की है और कई सारी काफ़ी संतुष्टिजनक पाई गई है। बाकी उसमें नए राशन कार्ड बनने से रिलेटेड कुछ समस्याएं थी तो कह दिया गया है कि उसको टाइम पर बना दिया जाए। अभी गांव में जो जिन लोगों के खातों में पैसा पहुंच गया है 1,000 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से, अब उनकी निकासी का जो प्रश्न है उसको हल करने के लिए पोस्ट ऑफिस और उनके माध्यम से उस डिपार्टमेंट के द्वारा उनके गांव-गांव में एक रोस्टर के मुताबिक जो डाकिये हैं वो लेकर के जाएंगे और उनका कैश वहीं पर लोगों को दे देंगे, ताकि लोगों को, क्योंकि बैंक की शाखाएं कम होती है, बैंकों की सुविधाएं हर गांव में नहीं होती है, तो गांव वालों को अदरवाइज़ तो पास के कस्बे में जाना पड़ता है, तो वो समस्या अब हल हो जाएगी। इसके अलावा जो 15 तारीख से और भी माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब अन्न योजना है, जनधन योजना के खाते हैं उनमें धनराशि जाने का है, ये सारी की सारी सुविधाएं सरकार की ओर से कोई भी गरीब व्यक्ति, कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति भूखा ना रहे, उसको पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, यह सुनिश्चित करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। और इसमें पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, जहाँ जहाँ पर लॉकडाउन का प्रश्न है वो सुनिश्चित पूरी तरीके से किया जाना है। इसके लिए हमारे कप्तान साहब और जो पूरा का पूरा पुलिस महकमा है जगह जगह पे आपने भी देखा होगा उसका अनुपालन करा रहे हैं। थैंक यू।